जुलाई थैंक यू थैंक यू दिन नज़दीक आ रहे हैं, क्या फील करते हैं आप? कुछ नर्वस है क्योंकि आपकी डेब्यू कर रहे हैं आप? देखो मैं हाँ ऐसा नर्वस तो हूँ, मैं बोल अगर मैं बोलूँगा नहीं हूँ तो झूठ होगा, मैं थोड़ा बहुत नर्वस तो हूँ, पास लिया उसको थोड़ा बहुत घबराया हुआ हूँ आप मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फीडबैक का कि मुझे फीडबैक क्या मिलने वाला है, मतलब लोगों को मेरी एक्टिंग कैसे लगने वाली है। तो क्या होता है, खुद से हम एक बार काम कर लेते हैं तो हमारी जजमेंट रॉन्ग हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमने काम कैसा किया है। लेकिन हाँ मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत लंबी वर्कशॉप हुई है इसके पीछे, अभी लोग देखेंगे फिल्म तो बताएंगे कैसा कैसा काम किया है मैंने। बड़ा एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए। स्टार्टिंग से आपके शाहरुख खान जी से मिलने की इच्छा थी, तो कुछ रवीना जी प्रोडक्शन की टीम ने या ऐसी बातें हुई कि शाहरुख खान जी को भी आपकी ये फिल्म दिखाई जाए? देखो मेरा तो ये तो मेरा बड़ा बहुत बड़ा मतलब सपना है कि मैं शाहरुख खान सर से मिलूँ, एक दिन उनके साथ काम भी करूँ, लेकिन अभी देखते हैं। अब हमारे प्रोडक्शन ने काफ़ी लोगों को बुलाया है फिल्म देखने के लिए, और शाहरुख खान सर तो भी बहुत बिजी हैं, उनकी खुद की फिल्म भी आने वाली है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो फिल्म देखने आए हैं, फिल्म के बारे में कुछ कह भी दें। तो अगर मैं बात करूँ तो आप जो फिल्म में अगर हमने ट्रेलर देखा तो उत्तराखंड अवार्ड आपको कुछ मिल रहा है, तो कुछ फिल्म किस तरह घूम रही है कुछ बताना चाहिए उत्तराखंड के बारे में? नहीं नहीं ऐसा उत्तराखंड अवार्ड अवार्ड कुछ नहीं है, फिल्म में ये जो लड़का है जो कैरेक्टर है मेरा फिल्म में, वो उत्तराखंड से दिल्ली आया है बड़ा मॉडल बनने के लिए, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से, तो ये उसका कैरेक्टर है। ऐसा कोई अवार्ड अवार्ड उत्तराखंड में नहीं मिला है। एक्सपेक्ट करते हैं आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज अरे यार मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मुझे मतलब मैं सोच नहीं रहा इस बारे में, मैं मेरी पहली फिल्म है तो मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि जो मैंने काम किया है, जो मैंने उस काम के पीछे वर्कशॉप्स की है, मेहनत की है जितनी मैं कर सकता था, और फिल्म देखने के बाद लोग बताएं कि मैंने काम कैसे किया है, और उनको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक एक ट्वीट कर देना मेरे नाम के अंदर साथ में डाल के, और बस यार इससे ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड में से कौन से एक्टर को आप अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं? यार मैं अगर आप बात करना चाहते मैं तो चाहता हूँ कि बॉलीवुड के सारे बड़े दिग्गज आके मेरी फिल्म देख लें, मतलब चाहत तो बहुत सारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन हाँ मैं आलिया भट्ट मुझे बहुत पसंद है, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि आलिया भट्ट सुन रही है मुझे तो अगर वो आके फिल्म देख ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, अगर वो आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आज धोनी का भी बर्थडे, तो कुछ कहना चाहिए धोनी जी के लिए? मैं धोनी सर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब एक इमोशनली मैं कनेक्ट हो जाता हूँ उनसे, तो और धोनी सर भी उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़ा से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, और धोनी सर ने जिस तरह से हमारे मतलब इंडिया को एकदम हम लोगों को एक प्राउड फील आता है जब भी हम उन्हें देखते हैं खेलते हुए कुछ भी करते हुए, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, काश मैं भी उनकी तरह थोड़ा भी कुछ कर पाऊँ कि इंडिया और मेरे दोस्त मेरी फैमिली प्राउड फील करें। तो हैप्पी बर्थडे धोनी सर, और आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। रोड सेफ्टी के बारे में मैं भी देखता हूँ यार, क्योंकि आजकल जो नए नए बच्चे हैं, मतलब मैं जिम जाता हूँ रास्ते में, बहुत बच्चे बहुत तेज़ चलाते हैं, मैं मुंबई में खासकर मेरे घर के सामने से, और एक दिन मैंने स्कूटी पे देखा था दो बच्चे बहुत तेज़ चला रहे थे और वो बारिश थी तो फिसल के गिर गए। तो यार मैं यही बोलूँगा कि कोई इतना टशन मारने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियाँ वैसे ही पड़ जाएंगी अगर आप अच्छे हो दिखने में, तो वो टशन मारने से लड़कियाँ नहीं पड़ेंगी या स्टंट मारने से लड़कियाँ नहीं पड़ेंगी, आपको चोट लग जाएगी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, 10-15 दिन घर में रेस्ट करना पड़ेगा, पढ़ाई छूट जाएगी, तो यार ये सब फालतू की चीज़ें मत करो, ये बेकार चीज़ें हैं। स्टंट करना है तो सीखो किसी से, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये बारिशों में स्टंट मारना लोखंडवाला बैक रोड में लड़कियाँ पटाने के लिए, तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ है, प्लीज़ मत करो, क्योंकि यार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, वो सब वेस्ट हो जाएगी उस चक्कर में। थैंक यू Thank you.
यार ऑनर की फिल्म है और हमेशा ही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं जब ऑनर बनाता है तो जैसे माय ब्रदर निखिल आई एम को तो चलो नेशनल अवार्ड मिला था सो एवरीवन नोज अबाउट दैट सो डेफिनेटली द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड प्रोमो बहुत अच्छा है और संजय और मैं तो 18-19 साल से दोस्त हैं और ऑनर भी सो यार एक फिल्म आ रही है अक्सर 2 करके यार अक्सर 2 आ रही है वो सितंबर में आ रही है तो जब आएगी तो पता चल जाएगा किस तरह बैठे सेंटर में लेकर किस तरह का होगा कैरेक्टर या क्या कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर है यार अनंत महादेवन डायरेक्ट कर रहे हैं श्याम बजाज नरेंद्र बजाज जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जरीन खान है फिल्म में लीला दुबे है सो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है थ्रिलर है देखते हैं जैसे कि ये फिल्म की जो कहानी है एक मॉडल बोले कि किस तरह स्ट्रगल रहता है तो कुछ आपके करियर में भी कुछ यार सबके करियर में स्ट्रगल होता है सब आज तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं सब स्टेजेस पे स्ट्रगल ही होता है तो कोई छोटे से शुरू करता है कोई बड़े से शुरू करता है और लाइफ भर हर एक्टर की ज़िंदगी में या हर इंसान की ज़िंदगी में जैसे आगे बढ़ना है उसका स्ट्रगल तो जारी रहता है क्योंकि आपने एक मुकाम जब पा लेते हैं फिर दूसरा तीसरा चौथा डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर एज अ पर्सन और आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है लाइफ से और अपने से उस पर डिपेंड करता है स्ट्रगल तो फिर पूरी ज़िंदगी जारी रहती है जिसे आगे बढ़ना सर धोनी जी का बर्थडे आज तो कुछ कहना चाहिए आज हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे धोनी एक 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 मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल थोड़ा ये टॉपिक से चेंज है कि रोड सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे रोड सेफ्टी मतलब बहुत ज़्यादा लोग अपनी जाने गंवाते हैं सी सबको इन टर्म्स ऑफ जो गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर सब चलाते हैं वो भी और जो पेडेस्ट्रियंस भी हैं उन सबको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये चीज़ को देखने होती है कोई भी रेड लाइट फॉलो नहीं करता खासकर मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में तो कोई नहीं करता अब मौका नहीं मिला जहाँ दिखता है कि यार चलो जी पुलिस वाला नहीं है या ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी फट से गाड़ी दौड़ाते हैं तो स्पेशली जब हम चलाते हैं या ड्राइवर चला रहा है गाड़ी तो हम खासकर हम ध्यान रखते हैं कि यार कभी भी रेड सिग्नल क्रॉस ना करें और यही मैं पेडेस्ट्रियन से भी कहना चाहूँगा कि अगर ग्रीन है लाइट तो उस पर क्रॉस करने में भागने की जल्दी भी नहीं रहें तो मतलब दोनों तरफ से नुकसान है जिसको भी लगती है या जो भी मारता है दोनों ही फंसते हैं दोनों ही मरते हैं Thanks.
मेरा माइंड है, फोटोग्राफर ओरे पिया। हाँ, वो कमेंट में पढ़ रहा था तो वो काफी सिंगर नहीं है लेकिन उसको इतना पता है कि गाने तो हम देखते सुनते नहीं लेकिन हम पसंद है। तो आप तो कमेंट किस तरह का आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है कुछ बताना चाहिए? देखिए कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिलते हैं लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम फिल्म कंपोजर है और फिल्म का जो म्यूजिक है वो फिल्म को लेकर बढ़ना चाहिए अपने आप में भी। जब हाफ गर्लफ्रेंड का म्यूजिक मैंने किया तो जैसे अर्जुन ने कमेंट किया, अर्जुन कपूर ने, कि फिल्म का नाम अगर हाफ गर्लफ्रेंड नहीं होता तो गाने फिल्म का नाम होता मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो इस किस्म का जो योगदान होता है कंपोजर का अगर इस गहराई के साथ करे तो बाकी सब चीज़ें और भी अच्छी लगती है। तो इसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले हैं शब्द के लिए लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 14 तारीख के लिए ये देखने के लिए कि फिल्म कहानी में आज भी हम देखेंगे कि गानों का क्या किरदार है और किस तरीके से वो बड़े पर्दे पर रंग लाता है। सर गाने की बात करें तो गाने में जो लिरिक्स होते हैं जो हमेशा से वेमेंस को लेके इंटरोगेटरी होते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका इस फिल्म से क्या लेना देना, उस पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। आप इंटरनेट पे ज़्यादा समय नहीं बिताते लगता है। नहीं, आई थिंक हम सबको इंक्लूडिंग मी हॉर्न बजाना थोड़ा कम करना चाहिए। उस पे पहले हम ज़रा संयम कर ले और स्टेप बाय स्टेप फिर प्रशासन जो है उनके गाइडलाइंस को माने तो सब सही होगा। फिल्म की अगर आप कुछ लाइनें अगर आप बना सके अभी यहाँ पर नहीं, मैं हमारा कॉन्सर्ट होने वाला अगले हफ्ते आप उसमें आप ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। तो घड़ी बंद होती है ना, स्लो थोड़ी ना। सर कांग्रेचुलेशन आपके फिल्म रिलीज होने है। प्रोड्यूसर आप इस फिल्म के बस अच्छा लग रहा है कि फाइनली फिल्म रिलीज पर है और दर्शक डिसाइड करेंगे उन्हें अच्छी लगी कि नहीं। उसे चलाने में उनकी मदद, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बट अच्छा लगता है क्योंकि ये ओनर की सबसे पहली स्क्रिप्ट है और हमने उसके बात उसने 3-4 स्क्रिप्ट्स और लिखी और 5वीं स्क्रिप्ट हमने सबसे पहले बनाई थी माय ब्रदर निखिल। तो माय ब्रदर निखिल से सफ़र शुरू हुआ, फिर हमने सॉरी भाई बनाई, आई एम बनाई, चौरंगा बनाई, अब शब है इसके बाद तो माय ब्रदर सॉन्ग है। तो अच्छा लगता है ये सफ़र अब शब का यहाँ पर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा है। क्योंकि ट्रेलर पहले से ही पसंद आ रहा है और जिस तरह से ट्रेलर में पिक्चराइजेशन दिखाई गई है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत ही अच्छा लोगों का ट्रेलर है। तो ये जब इस तरह से कमेंट आते हैं, इस तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं तो आप मानते हैं कि जो पहली जो जंग है या पहला जो पड़ा हुआ वो देखिए अगर ट्रेलर पसंद आए लोगों को, म्यूज़िक पसंद आए तो हौसला अफजाई तो होती है और थोड़ा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। इसके साथ साथ ट्रेलर इसका जो शब्द का है मुझे लगता है कि वो है अपना ही लेकिन पूरा जस्टिस नहीं कर पाएगा इस कहानी को क्योंकि 2 घंटे की कहानी या 100 मिनट की कहानी
90 सेकंड में बताना या 2 मिनट में बताना, ये मुश्किल काम होता है। और उन फिल्मों के लिए और भी ज़्यादा जिसमें कहानियाँ जब 5 लोगों को लेकर हो और उसकी कहानियों के अंदर उनकी कहानियाँ, उनकी उनकी जर्नी, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी होप्स, उनके डिज़ायर्स, उनकी उम्मीदें, ये सब लेके 90 सेकंड में कन्वे करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छा लगता है कि अगर ट्रेलर पसंद आया लोगों को, और म्यूज़िक तो खैर बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को। वो साथ ही मुसाफिर, आफिया, मिथुन ने कमाल का म्यूज़िक दिया है। सर, रवीना जी को लेने का क्या सोच करा? एक्चुअली जब ये फिल्म बन रही थी, मतलब जब हम बनाना चाहते थे बहुत साल पहले, तब उसमें रवीना तब भी थी लेकिन दूसरे किरदार में थी। और तो एक टीम एक जहन में थी कि टीम यही रहेगी, जिस हद तक हम इंक्लूड कर सकते हैं उन्हें करेंगे। तो मैं 10-12 साल बड़ा हो गया, मैं वो किरदार प्ले नहीं कर रहा हूँ, और रवीना जो दूसरा किरदार करना था वो उसकी जगह अब दूसरा वाला कर रही है। तो वो इस शब का तब भी हिस्सा थी और अब भी हैं। और फिर तक की कास्टिंग हुई जब हम चौरंगा की कास्टिंग कर रहे थे, और नए लड़के की कास्टिंग ऑडिशंस देकर आशीष बिष्ट की, उसने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अरीज हैं, उनके साथ मैंने फिल्म हीरोइन में काम किया था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, तो उनका नाम सजेस्ट किया था मैंने ओनर को, वो कास्ट हुए। और एक फ्रेंच एक्टर भी हैं, सिमोफ्रे ने, उनसे मेरी मुलाकात पेरिस में हुई थी, तो वहाँ पर मीटिंग हुई और उसके बाद वो कास्ट हुए। आर यू नर्वस रिगार्डिंग द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? बिकॉज़ GST के कारण टिकट्स के दाम बढ़ चुके हैं, तो वो आपको लगता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में असर पड़ेगा? देखिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इमीडिएट इम्पैक्ट जो आने वाला है, अब देखेंगे क्या टिकट प्राइसिंग सेट होती है, बिकॉज वो जो क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स हटा है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स का जो इम्पैक्ट था, अब GST का 28% जो है, सो वो देखा जाएगा टिकट प्राइस में, वो उसका बेनिफिट ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सके। आई एम श्योर सिनेमा ओनर्स, एग्जिबिटर्स उसकी वर्किंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम लुक सर, सर लुक है भाई, क्विक बाइट है, मैम लुक है कैमरे होल्ड मैम, सर जी सर संजय आप भी ले रहे हो, कम ओके टिकट लेंगे? देखो ये कैसी बातें कर रहे हो आप सर, दो क्वेश्चन सर जी, हम ये कर रहे हैं सर, मैम सर सादा फोटो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि संजय और उमेर game changers as far as the industry is concerned. Umir and Sanjay, both are people who I'm very fond of, I admire and respect deeply, so I'm very excited to be here, and I'm sure it's going to be an amazing film. It's looking great and I'm really looking forward to it. Trailer ka dekha hoga aapne, aapko kaisa इंटेंस लगा और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, और मुझे लगता है बहुत कूल टाइटल है फिल्म का शब, सो आई थिंक दैट इट्स रियली गोइंग टू बी समथिंग दैट इवन ऑडियंसेस आर रियली गोइंग टू लाइक। मैम अगर हम बात करें इतिहादों में जो देश का जो माहौल है, आपने हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।